तय किसान के लिए मौसम पूर्वानुमान बहुत जरूरी है। नमस्कार किसान मित्रों, मैं प्रेम सिंह चारण आज आपको मौसम पूर्वानुमान से संबंधित सभी जानकारियां दूंगा और बताऊंगा कि प्रत्येक किसान को मौसम पूर्वानुमान के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए तथा खेतीबाड़ी में होने वाले नुकसानों से कैसे मौसम पूर्वानुमान से बच सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मौसम पूर्वानुमान क्या होता है, इस बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। मौसम पूर्वानुमान आने वाले समय में 5 दिन 10 दिन 6 महीने 1 साल में हमारा मौसम कैसा रहेगा, क्या यहाँ ज़्यादा बारिश होगी, क्या गर्मी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी या पाला पड़ेगा, इन सभी चीज़ों का हम पहले अनुमान लगा लेते हैं और इनसे होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं, इसको मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। मौसम पूर्वानुमान के लिए हम किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे विभिन्न टीवी चैनलों पर मौसम विभाग अपनी जानकारी साझा करता है, या फिर विभिन्न वेबसाइट है, जैसे गूगल पर मौसम पूर्वानुमान की वेबसाइट है, उस पर मौसम विभाग अपनी जानकारी साझा करता है कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, और भी बहुत सारे जैसे समाचार पत्र आदि जानकारियों से आप मौसम पूर्वानुमान का पता लगा सकते हैं। बहुत सारे किसान मित्र होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो मौसम पूर्वानुमान अपने मोबाइल में नहीं देख सकते हैं, तो अपने किसी बच्चे को या अपने किसी पड़ोसी को से पूछ सकते हैं कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, आप मौसम पूर्वानुमान की वेबसाइट पर जाकर हमें बता दो कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा। किसान मित्रों, मौसम पूर्वानुमान 3 प्रकार का होता है वैसे। एक तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज, मतलब कम अवधि वाला, मध्यम अवधि वाला और लंबी अवधि वाला। खेती में वैसे तो मध्यम अवधि वाला मौसम पूर्वानुमान सबसे ज़्यादा उपयोग लेते हैं, लेकिन जैसे आने वाले 6 महीने में क्या मौसम रहेगा, तो हम उसके अनुरूप कौन सी फसल लगानी है हमें और क्या बारिश कितनी रहेगी। जैसे अगर बारिश कम होगी तो हमें ऐसी फसल लगानी चाहिए हम जिसमें हमें कम पानी की आवश्यकता हो, और अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है तो हमें ऐसी फसल लगानी चाहिए जो ज़्यादा गर्मी सहन कर सके। तो ये इस जो जो 6 महीने का या 1 साल का मौसम पूर्वानुमान होता है वो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग होती है, यानी कि वो लंबी अवधि वाला मौसम पूर्वानुमान होता है। तो उसका उपयोग तो खेती में जैसे फसल कौन सी लगानी है उसके लिए और फसल चक्र कैसा रखना है उसके लिए उपयोग किया जाता है। जो मीडियम रेंज होता है वो 3 दिन से 10 दिन तक का होता है, ये सबसे ज़्यादा खेती में उपयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे हमें 2 दिन 3 दिन बाद बुआई करनी है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या मौसम बारिश ज़्यादा आएगी या गर्मी पड़ेगी। जैसे हम ऐसी क्रॉप लगा रहे हैं जिसको लगाने के बाद अगर बारिश आ जाए तो वो क्रॉप का जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता है। जैसे हम सोयाबीन के फसल की बात करें तो हम सोयाबीन की फसल लगा लेते हैं, और अगर उसके बाद में 5 या 4 या 5 दिन के बीच में अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो सोयाबीन की फसल का अंकुरण नहीं होता है तथा फसल अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाती और उसकी ताकत वहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर पपड़ी बन जाती है तो वो अच्छे जर्मिनेट नहीं कर पाती है। तो हमें मौसम का पहले पता होगा कि बारिश आने वाली है 3 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर, तो हम उस फसल को उस टाइम नहीं लगाएंगे, और हमें पहले ही देख लेंगे कि हाँ 10 दिन में बारिश नहीं आने वाली है या फिर 5 दिन में नहीं आने वाली है, तो हम उस फसल को लगाएंगे। और जैसे जो शॉर्ट रेंज यानी कि सबसे कम अवधि वाला मौसम पूर्वानुमान होता है वो होता है 1 दिन से लगाकर 3 दिन तक। वैसे तो मेन ये 24 या 36 घंटे के लिए होता है, लेकिन 1 दिन से 3 दिन तक इसको गिना जाता है कम अवधि वाला मौसम पूर्वानुमान। इसका उपयोग हम जैसे हमारे खेत में कोई लेबर वगैरह काम कर रही है तो हम पहले अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे कोई खरपतवार हटा रही है हमारी लेबर, तो हम अगर पहले मौसम देख लेंगे तो हमारा इसमें ये नुकसान बच सकता है कि जैसे हमारे खेत में लेबर आ गई और उसके बाद में अगर बारिश आ गई तो हमारा लेबर काम नहीं कर पाएगी और हमारे लेबर के पैसे लग जाएंगे, क्योंकि लेबर खेत पर आई है तो वो पैसे लेकर ही जाएगी। तो हमें अगर पहले से पता होगा कि हाँ आज बारिश आने वाली है या ज़्यादा गर्मी पड़ेगी या ज़्यादा सर्दी पड़ेगी या कैसा भी मौसम है, तो हमें पहले पता चल जाएगा तो हम लेबर को नहीं बुलाएंगे। ऐसे होने वाले नुकसानों से हम बच सकते हैं कि हाँ कि हमें पहले पता होगा कि हाँ आज ऐसा मौसम है तो हम खेती में होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं। किसान मित्रों, आपको भी अपनी खेती मौसम पूर्वानुमान के अनुरूप ही करनी चाहिए तथा आप गूगल की वेबसाइट से या मौसम विभाग की वेबसाइट है गूगल पर, उससे या फिर आप जो समाचार पत्र या फिर टीवी के माध्यम से आप मौसम पूर्वानुमान का पता लगा सकते हैं तथा उसके अनुरूप खेती करें, क्योंकि आप अगर मौसम पूर्वानुमान के अनुरूप खेती करेंगे तो आप खेती में होने वाले नुकसानों से बच सकते हो, क्योंकि खेती में जो आपका जो मेन प्रॉफिट है ना वो आप कम से कम खर्चा और कम से कम नुकसानों से बचकर ही कर सकते हो, क्योंकि आपको आजकल भाव इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं कि आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। खेतीबाड़ी में मुनाफा वही होता है जिसमें आप खर्चा बचा सको, जो जितना आप ज़्यादा खर्चा बचा लोगे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। तो किसान मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप खेती से संबंधित इसी और जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।